Good morning, everyone. Today we will start our exercise 6.1. Our first question is, what will be the unit digit of the square of the given numbers? आपने देखा था 1 to 9 तक, 1 to 10 तक के नंबरों का स्क्वायर देखिए आप. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36. सो 1 to 9 तक के नंबरों का सम, 10 तक के नंबरों का सम आपको पता होना चाहिए. अब हमें यह देखना है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर का एक लास्ट डिजिट क्या होगा? 1. अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4. तो हम यहां से वेरीफाई करेंगे. कम टू द 81. इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1. तो इसका लास्ट डिजिट 1 है तो इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट भी क्या आएगा? 1 ही आएगा. स्क्वायर का लास्ट डिजिट भी क्या आएगा? 1. इसमें स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आएगा? इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट आएगा 2 है तो 4. 799, 9 लास्ट डिजिट है इसमें. इसमें 2 था, इसमें लास्ट डिजिट है 9. सो 9 है तो 9 का लास्ट डिजिट है तो उसके स्क्वायर में क्या नंबर आएगा? लास्ट डिजिट 1. डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1. आप ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 81 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं 81 स्क्वायर इज 1. सिमिलरली इन सब में भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है. 3 है लास्ट डिजिट, तो अगर लास्ट डिजिट 3 है तो नंबर जो स्क्वायर करके नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 9. उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9. लास्ट नंबर है 4, तो 4 का लास्ट स्क्वायर कितना होता है? 16. तो इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4 4 16 6. 7 अगर लास्ट डिजिट है तो इसके कंप्लीट नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट होगा 9. इन सभी के लिए आपको स्टेटमेंट लिखनी है. इसी तरह से किसी नंबर का लास्ट डिजिट 8 है तो उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या हो गया? 4. किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या हो गए? 2 zeros. So, यानी कि उसका लास्ट डिजिट क्या होना? 0. अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट है 6 तो उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या हो गया? 6. और किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट हमेशा ही क्या होता है? 5. द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीजन. इसका रीजन क्या होगा? हमने बताए थे कुछ नंबर है, 2 था, 3 है, 7 है और 8. अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट ये है और दूसरी बार ओड नंबर ऑफ टाइम 0, 0 कितनी बार है? ओड टाइम्स 0. ये दूसरा केस है, क्लियर? सो यहां पर 7 है लास्ट डिजिट, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 7, सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. बिकॉज लास्ट डिजिट ऑफ 1057 इज 7, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो आप इस तरह से इसको, इस तरह से आप हर नंबर में स्टेटमेंट लिखेंगे. बस हम यहां से आइडेंटिफाई करेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3. तो so if this is not a perfect square, as the last digit is 3, so it is not a perfect square. As the last digit is 8, so it is not a perfect square. As the last digit is 2, so it is also not a perfect square. 2 3 7 8, जिन नंबरों में ये नंबर होंगे लास्ट डिजिट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अब इनमें देखिए, 0 कितनी बार है? 3 टाइम्स है.
तो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है ना, ओड नंबर ऑफ टाइम्स जीरो, तो इट इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्वियसली इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर उसका रीजन क्या है? तो इनके जो लास्ट डिजिट है ना वो इनका रीजन है। इसमें लास्ट डिजिट, लास्ट में थ्री जीरोस है, तो थ्री जीरोस क्या है? ओड नंबर ऑफ टाइम्स, तो इट इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें लास्ट डिजिट कितनी बार जीरोस है? वन टाइम, तो इट इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? नाउ द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, किसका स्क्वायर ओड होगा? वन का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट वन आएगा, सो वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, सो हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 431 हैज लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट एज वन, इसका लास्ट डिजिट होगा वन, विच इज ओड, ओड नंबर, विच रिप्रेजेंट ए ओड नंबर। सो यानी कि एक ओड नंबर होगा इसका स्क्वायर। अब इसका लास्ट डिजिट है सिक्स, तो इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आएगा? इसका लास्ट लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर डिजिट ऑफ 2826 स्क्वायर इज सिक्स। सो अब सिक्स क्या है? विच इज इवन, इवन, जो कि इवन है। क्लियर? तो सिंपली नाइन है, नाइन का स्क्वायर क्या आएगा? 81 क्या आएगा? ओड। तो ये क्या आएगा? ओड नंबर में आएगा। इसका स्क्वायर क्या आएगा? ओड नंबर। इस ओड इसमें फोर है, फोर फोर जा 16, सो 82004 स्क्वायर इज इवन नंबर। सो आप लास्ट डिजिट के हिसाब से बता सकते हैं कि नंबर हमारे पास जो है वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। नाउ द ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, एक पैटर्न हमारे पास गिवन है, इस पैटर्न को अच्छे से देखिए। नाउ यू विल फाइंड कि 11 का स्क्वायर कितना है? 121। 101 का स्क्वायर है 10201। 1001 का स्क्वायर है 1002001। अब जितनी बार जीरोज यहां आ रहे हैं उतने बीच में जीरोस लग रहे हैं, तो यहां पर कितने जीरोस हैं? फोर। तो वन वन टू थ्री फोर टू, वन टू थ्री फोर वन, इसमें कितने जीरोस हैं? सिक्स। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू, टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन। क्लियर? सो इट इज इजी टू मेक द पैटर्न। ओके, तो इतने पैटर्न के बेस पे था क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न and supply the missing number. Here 11 square is equal to 121. 101 square is equal to 10201. Pattern बनेगा 10101 का square कितना हुआ? 10203020 then 1. It means एक बार ही ascending जा रहा है, उसके बाद फिर descending. चलिए देखिए यहाँ पर. Now 10 10 10 यानी 10101 का square कितना होगा फिर? 10 20 30 then 40 again 30 20 then 1। क्लियर? तो इसी तरह से हमें सारे पैटर्न बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट में क्या आएगा? 10 10 10 10 1 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट इसका आंसर क्या आएगा? दिस वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूजिंग द गिवन पैटर्न, हमें पैटर्न को देखना है, आइडेंटिफाई करना है एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। सो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर। अब इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? वन इंटू टू टू, टू से प्लस वन कीजिए थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स से वन कीजिए सेवन, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी स्क्वायर, फिर यहां पर ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन स्क्वायर, 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यह नंबर क्या आएगा? 6 स्क्वायर। 5 into 6 30 30 plus 1 31, 6 into 7 42 42 plus 1 43। क्लियर? इजी है ना ये सारे क्वेश्चन?
मतलब इनमें जस्ट हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द विच पैटर्न इज गोइंग टू बी, और पैटर्न देखने के बाद हमें ये मिसिंग नंबर्स को फिल करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों पैटर्न पे है. नाउ इन द नेक्स्ट वन विदाउट एक्चुअल एडिंग, आपको टोटल ऐड नहीं करना है बट विदाउट एडिंग यू हैव टू फाइंड द सम. हमने एक मेथड देखा था कल सब्ट्रैक्शन के हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना. जैसे हम सब्ट्रैक्शन की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरह एडिंग की हेल्प से हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं. सो अगर यदि हम सभी नंबरों को जो ओड नंबर्स होते हैं 1 से लेकर स्टार्ट करें और जितना भी नंबर का स्क्वायर हमें निकालना है, जैसे 5 नंबर का स्क्वायर निकालना है तो 1, 3, 5, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5 फाइव टर्म्स हो गई. तो 5 टाइम्स तक ओड नंबर चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या देगा वो 5 का स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा 1, 3, 5, 7, 9 का सम 25, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 फाइव टर्म्स हो गई. तो 5 टर्म्स होगी तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. सो इट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए जैसे 25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टर्म्स है तो 10 टर्म्स है तो इनका सम कितना जाएगा 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर्स है तो इनका सम कितना जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144. क्लियर? सो इट इज इजी, आपको बस इतना गिनना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. इन द क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. हमने अभी अभी बताए थे कि 49 को भी हम कैसे लिख सकते हैं इनके ऑड नंबर्स में. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 3 देन 5 ऑड नंबर्स चलते रहेंगे देन 7 देन 9 11 1 2 3 4 5 6 देन 1 more 13. तो इन सब का सम कितना आएगा 49. एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, and then 21. Clear? Now, how many numbers? आप किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं. Now, how many numbers lies between the square of the following numbers? So, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169. सो 169 माइनस 144 इट इज इक्वल टू 25. सो इनके बीच में नंबर कितने लाई करेंगे जस्ट माइनस 1. सो नंबर बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1 24 नंबर्स. कितने नंबर आएंगे 24 नंबर्स. सिमिलरली यहां पर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है 26 का स्क्वायर होता है 676. नाउ 676 माइनस 625 कितना आंसर आएगा इनका डिफरेंस 51. सो हम क्या लिखेंगे नंबर बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर आर 50. कितने नंबर्स हो गए 50 नंबर्स. सो 99 का स्क्वायर कितना होगा 99 स्क्वायर 9801 और 100 का स्क्वायर कितना होगा 10000. तो इनका डिफरेंस कितना हो गया इनका डिफरेंस होगा 199. नाउ नंबर लाइज बिटवीन देम सो डिफरेंट नंबर्स लाइज बिटवीन देम बिटवीन 99 स्क्वायर एंड नंबर्स एंड 100 स्क्वायर इज इक्वल टू
8, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है हमें, एक सब्ट्रैक्ट करना, 51 में से गया 50, 199 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 98, क्लियर।